छोड़िए बाहर, और इस तरह से अभी इस एंकल को मैं करेक्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, इस तरह से हम लोग दोनों तरफ से छोड़िए बाहर, ये इस तरफ को हमने करेक्शन किया, अब एक इस तरफ को हम करेक्शन करेंगे। हाँ, इस तरह से। हाँ, बहुत बढ़िया। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम जिस ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो भारत में गिनी चुनी जगहों पर ही किया जाता है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी पढ़ाई भी भारत में नहीं होती है। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये है कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, और इस चीज़ के बारे में जानने के लिए आज हम दिल्ली के कीर्ति नगर पहुँचे हुए हैं, और अभी हम बैठे हुए हैं दिल्ली कायरोप्रैक्टिक फिजियोलॉजिस्ट स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक में, और अभी मेरे साथ जाने माने डॉक्टर डॉक्टर वरुण दुग्गल जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा सर, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि जैसे ये कायरोप्रैक्टिक जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, आखिर ये ट्रीटमेंट है क्या, इसके बारे में जरा मैं जानकारी। मैम, ये बेसिकली जॉइंट मैनिपुलेशन ट्रीटमेंट है जिसके अंदर जो हमारे मन के होते हैं, जैसे अगर मैं आपको रीढ़ की हड्डी दिखाऊँ तो ये रीढ़ की हड्डी है हमारी। तो आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल हम लोगों का चल रहा है तो हमारे ये मन के अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं इस तरह से, तो इसका हम करेक्शन करते हैं। ये इसी के बारे में कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है, जो घूमे हुए मन के जिसकी वजह से डिस्क बाहर निकल के नस के ऊपर प्रेशर डालती है। अगर मैं और अच्छी तरह समझाना चाहूँ तो ये मेरे पास एक मॉडल है, ये दो मन के हैं, इसके बीच में डिस्क है, ये नर्व है। तो ये डिस्क इस तरह से निकल के बाहर नस के ऊपर प्रेशर डालती है, तो यूजली सर्जिकल इंटरवेंशन में सर्जन इसको रिमूव कर देते हैं इस पार्ट को, कि जो डिस्क के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो रिलीज हो जाए। तो ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इज ऑल अबाउट दिस। ओके ओके, आपको सर कितने समय का एक्सपीरियंस है, मैं कह सकती हूं? मैम, मेरे को तकरीबन 17-18 साल का एक्सपीरियंस हो गया है ये ट्रीटमेंट करते हुए, और काफ़ी इसमें मैंने अपग्रेडेशंस करी हैं, नई से नई हमने टेक्नोलॉजी कोशिश करी है इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और जो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है हम चाहते हैं कि सब लोगों को अंडर वन रूफ मिले। ये ट्रीटमेंट बेसिकली यूरोप और यूएस में किया जाता है, तो वहाँ ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हाई स्केल में किया जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट वहाँ पर अवेलेबल है। जी जी, जैसे आपने कहा कि ये ज़्यादातर जो है बाहर के देशों में ही किया जाता है, क्या कारण है कि इंडिया में इसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है? मैम, इंडिया में इसलिए ग्रोथ नहीं हो पा रहा कि ये ट्रीटमेंट की पढ़ाई पहले तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कोई इंडियन यूनिवर्सिटी इसकी डिग्री नहीं कराती। तो बेसिकली मैंने भी इटली में या जर्मनी में जाके इसके कोर्सेज करे हैं, तो अभी इस ट्रीटमेंट को इंडिया में लेके आने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था, कॉस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा उसके अंदर इम्पॉर्टेंट था। कॉस्ट फैक्टर के अंदर वहाँ $250 से $300 चार्ज करते हैं, लेकिन इतना इंडियंस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे डॉलर को 250-300 से तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने इसको तकरीबन 80-90% इसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया है इंडिया के अंदर, कि भाई लोग अफोर्ड कर पाएँ। 2,000 से 3,000 के बीच में हमने इस ट्रीटमेंट को अवेलेबल बनाने की कोशिश करी है लोगों के लिए। मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो मिडिल फैमिली है उनके लिए भी ये चीज़ अफोर्डेबल हो सकती है। एग्जैक्टली मैम, जो सर्जिकल केस के लिए जा रहे हैं, कम से कम भी एक सर्जरी में 5 लाख रुपए लिए जाते हैं। अगर उस पेशेंट को हम थोड़े से पैसे लेके ठीक कर दें और वो उसके शरीर पे कोई चीर फाड़ ना हो, कोई चाकू ना चलाना पड़े, पेशेंट ऐसे ठीक हो जाए, तो नथिंग लाइक दैट। और सर्जरी से भी कोई पेशेंट ठीक होता नहीं है। बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको सर्जरी करा के आते हैं, L4 L5 ऐसा उनकी डिस्क की कराई हुई है सर, फिर दोबारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि जिस डिस्क को ऑपरेट कराते हैं उसके ऊपर वाली डिस्क प्रॉब्लम करने लगती है। तो 24 डिस्क है, 24 मनकों के बीच में वो कहीं ना कहीं दूसरी डिस्क प्रॉब्लम करती है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ आपके इस पूरे क्लिनिक पे कि काफ़ी सारे मेडल्स हैं और अवार्ड्स हैं, इन सारे अवार्ड्स और मेडल्स के बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि क्या? जी मैम, मैं एक्चुअली ऑल इंडिया एसोसिएशन का नॉर्दर्न जोनल सेक्रेटरी हूँ, और हमारी जो एसोसिएशन है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नॉर्दर्न जोनल सेक्रेटरी का, क्योंकि पूरा नॉर्थ इंडिया कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे हमारे अंडर आते हैं। तो काफ़ी सारी हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, तो उसके बिहाफ पे वो लोग जुनसा है पूरा चेक करते हैं किसका क्या क्रेडिबिलिटी है, कैसे पेशेंट के रिव्यूज़ आ रहे हैं, कितना लोगों को आराम मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग पे अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज में हमें मुझे इन्वाइट किया जाता है और मुझे सम्मानित किया जाता है। कई जगह पर मैं अपने लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए जाता हूँ एज अ स्पीकर अलग अलग बीमारियों के ऊपर। तो कई कई यूनिवर्सिटीज़ में हमें बुलाते हैं एज अ, मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल एग्जामिनर हूँ। अच्छा। तो अलग अलग जगहों पे फिर हमें बुलाया जाता है कि भाई आप आके इधर अपना दीजिए, कोई हम जो आपका अपग्रेडेशन इंडिया में आ रही हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले हम ही उसको इंडिया में लेके आए। अच्छा, आपकी एक्सपर्टीज किन किन चीज़ों में है? जैसे कि मैंने बोला कि पूरे बॉडी में शायद कायरोप्रैक्टिक अप्लाई किया जाता है। लोग इसके अंदर हेड टू टो सारा ट्रीटमेंट करते हैं,
बेसिकली किसी का नोज में सेप्टम डिवीजन हो जाता है, उसका भी हम अलाइनमेंट करते हैं। किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, अब लोग सोचेंगे साइनस कैसे ट्रीट हो जाएगी, कारो उसके लिए क्रेनियल ऑस्टियोपैथी हम देते हैं लोगों को ट्रीटमेंट, विसल ऑस्टियोपैथी जो बाहर के मुल्कों में किया जाता है। तो मैंने इंटीग्रेटेड कॉलेज ऑफ मेडिसिन से इसका कोर्स किया हुआ है, जो फादर ऑफ ऑस्टियोपैथी है डॉक्टर डेविड लेमेंडन, उनसे मैंने ऑस्टियोपैथी सीखी हुई है। तो हम लोग जो आजकल धरन कहते हैं, किसी को गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, किसी को फैटी लिवर है, तो सब चीज़ों का संभव है ट्रीटमेंट बिना किसी दवाई, बिना किसी उसके इलाज के। इलाज के, हाँ। अच्छा, कितने परसेंट तक आपने, जैसे बताएगी आप 20 अबव आपको हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए, तो बेसिकली कितने परसेंट तक अभी जो पेशेंट हैं वो ट्रीट हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं? क्योर तो नहीं कह सकते, ट्रीट हो जाते हैं। मैम देखिए, इसके अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास केसेस आते हैं, किसी को 10 साल पुरानी पेन है, किसी को 5 साल, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट की कंडीशन में। हर डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करता है कि जो भी मरीज मेरे पास आ रहा है पूरी तरह से ठीक होके जाए। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं पूरी तरह से, और कायरोप्रैक्टिक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जैसे ही मरीज को ट्रीटमेंट देते हैं, इमीडिएट पेशेंट को रिलीफ मिलता है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है पेशेंट को उसी समय, क्योंकि बॉडी हार्मोन से ग्रीट करती है, जिससे इमीडिएट पेशेंट को रिलीफ आता है। तो कई लोग आते हैं 20 साल पुराना पेन भी, कहते हैं जी 5 सेशन में चला गया, लेकिन पेशेंट की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी वो हम नहीं जानते। बाकी विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों को तकरीबन हर केस के अंदर 95% रिजल्ट मिलता है। बहुत ऊपर वाले की कृपा है कि हम पूरी कोशिश करते हैं तो ऊपर वाला जरूर साथ देता है उसके अंदर। कोई अगर ऐसा पेशेंट मौजूद हो जिसपे आप हमें डेमो करके दिखा सकते हैं, तो प्लीज़ उन्हें हमें दिखाइए, जिससे मेरे व्यूअर्स भी ये समझ पाए कि आखिर ये पूरा जो ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, आखिर है क्या। ज़रूर ज़रूर, मैं पेशेंट को बुलाता हूँ और ज़रूर आपको करके दिखाऊंगा उसके ऊपर ट्रीटमेंट, कैसे कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, कितना पेशेंट को आराम मिलता है, पूरा दिखाते हैं। चलिए, ओके जी। इसके अंदर ये इनकी अलाइनमेंट आउट है, तो ये नर्वोस्कोप एक तरफ को पूरी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, देखिए आप इसकी सुई बिल्कुल भागती है एक तरफ को, क्योंकि ये हमें बताता है किस किस तरफ को अलाइनमेंट आउट है। अब मेरे पास कायरोप्रैक्टिक गन है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ इनकी स्पाइन के ऊपर अलाइनमेंट करने के लिए। तो ये गन को मैंने यहाँ रख लिया, इस तरह से ही देखिए काम करती है। मैं आपको इंटरनली दिखा रहा हूँ कैसे पेशेंट ठीक होते हैं। इसकी गन को मैं, इसकी पावर को भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ, टेढ़े हुए मनकों को सीधा कर देती है। तो हम C1 को देखिए, इनके आउट को एडजस्ट कर रहे हैं इस तरह से। ये C1 मनका है, छोड़िए बाहर। और इस तरह से अभी इस एंकल को मैं करेक्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, इस तरह से हम लोग दोनों तरफ से छोड़िए बाहर। ये इस तरफ को हमने करेक्शन किया, अब एक इस तरफ को हम करेक्शन करेंगे। हाँ, इस तरह से। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आखिर कैसे किया जाता है। डॉक्टर साहब, अब आप हमें करके दिखाने वाले हैं कि चीजें कैसे होती हैं। इसके अंदर जी ये L4 L5 S1 डिस्क बल्ज का पेशेंट है, इसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कायरोप्रैक्टिक बेड, इसके अंदर एक एक मनका जो घुमा हुआ है, हम एक एक मनके की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे हम लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं एक एक मनके की। इसके अंदर जो जो मनका घुमा हुआ है, इसके अंदर सारे मनके हम एडजस्ट करेंगे एक एक करके। इस तरह से मरीज के सारे मनके हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप किस तरह से ये सारे मनके, हम लोग एक एक मनके को एडजस्ट करेंगे। और कई लोगों का आप देखते हैं यहाँ से कुप निकल जाता है, कई लोगों को थोड़ा स्काइफोटिक कप बढ़ जाता है, तो इसको सारा हम करेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा गर्दन का भी अलाइनमेंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं सर्वाइकल की पेन की वजह से, जो लॉन्ग आवर्स सिटिंग करते हैं लैपटॉप के ऊपर, मल्टीनेशनल्स में बैठते हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो काफ़ी घंटे बैठ के सिटिंग करते हैं। तो इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इनका मन के चेक करके दिखाऊंगा। ये मेरे पास एक टूल है जिसको नर्वोस्कोप बोला जाता है, ये हमने यूरोप से इम्पोर्ट करा हुआ है, और ये वेल कैलिबर्ड इंस्ट्रूमेंट है। इसमें दोनों तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं, जिस तरफ मन के आउट होते हैं, जैसे आप सपोज करिए राइट को आउट है मन के, तो इसके अंदर जो सेंसर है वो सेंस कर लेता है अपने आप ही कि राइट को आउट है या लेफ्ट को। MRI केवल हमें बताती है कि राइट की अलाइनमेंट आउट है या लेफ्ट की, तो राइट की डिस्क निकली है या लेफ्ट की। तो इससे हम जैसे मनकों पे लगाते हैं, आप देख सकते हैं रीढ़ की हड्डी पे, तो ये स्पाइन का मॉडल है, इसके बीच में ये डिस्क है। तो MRI केवल बताएगी डिस्क कितनी बाहर आई है, लेकिन जो नर्वोस्कोप है वो हमें बताएगा कि मन के राइट को घूमे हैं या लेफ्ट को। तो आप यूजुअली इसके कायरोप्रैक्टर, इंटरनेशनल कायरोप्रैक्टर्स को देखोगे इसी को यूज़ करते हुए कि वो कैसे अलाइनमेंट चेक करते हैं। अभी मरीज़ की बॉडी पे मैं आपको लगा के दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से मैं इनकी अलाइनमेंट चेक करूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैं मन के मार्क करूँगा कौन कौन सा मन का कहाँ कहाँ घुमा हुआ पेशेंट का। ये देखिए आप,
इसके अंदर ये इनकी अलाइनमेंट आउट है, तो ये नर्वोस्कोप एक तरफ को पूरी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, देखिए आप। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये। अब मैं इस तरफ को मार्क कर लूँगा इसको। अब मैं और चेक करूँगा, ये मन का भी आउट लग रहा है, ये मन का देखें ये भी आउट है। तो इस तरह से ये देखिए आप, इसकी सुई बिल्कुल भागती है एक तरफ को, क्योंकि ये हमें बताता है किस किस तरफ को अलाइनमेंट आउट है। ऐसे ही हम गर्दन की भी अलाइनमेंट चेक करेंगे, गर्दन की किस तरफ को मन के घूमे हुए हैं, ये देखिए आप, पूरा आउट है इधर को अलाइनमेंट। तो इसको मार्क कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसकी करेक्शन करेंगे। तो ये मैंने सारे मन के पेशेंट के मार्क कर लिए हैं। अब मेरे पास कायरोप्रैक्टिक गन है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ इनकी स्पाइन के ऊपर अलाइनमेंट करने के लिए। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। ये भी एक इंटरनेशनल कायरोप्रैक्टिक एडजस्टर टूल है मेरे पास, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अलाइनमेंट करने के लिए मरीज़ की। इसको हम लोग इसको गन को हमारे पास अलग अलग अटैचमेंट आती है मनकों के साइज़ के हिसाब से। अगर मैं आपको दिखाऊं ये स्पाइन के मॉडल पे रख के कि ये गन कैसे काम करती है, तो आप लोगों को पता चलेगा। इसके अंदर देखिए, आपको दिखाता हूँ बेसिकली। इसके अंदर होता क्या है कि ये मनकों के ऊपर देखिए, बड़े साइज़ के मनके हैं, तो ये गन को मैंने यहाँ रख लिया। इस तरह से ही देखिए काम करती है, मैं आपको इंटरनली दिखा रहा हूँ कैसे पेशेंट ठीक होते हैं। इसको यहाँ रख लिया तो इस तरह से मनकों को करेक्ट करती है पूरा, और काफ़ी पेशेंट को आराम मिलता है इससे। ऊपर वाले मनके पे रख लिया तो इस तरह से इसको हम करेक्शन करेंगे। इस तरह से अलग अलग मनकों की हम करेक्शन करते हैं। और अभी इनके मैं L4 L5 S1 ये मनके पे रख के इस गन को चलाने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मनके बड़े रहेंगे तो हम लोग बड़े मनकों पे ये बड़ा वाला हेड यूज़ करेंगे। जैसे जैसे मनके छोटे होते चले जाएंगे, तो आगे थोरोसिक के आप देख सकते हैं, जैसे मनके छोटे हो गए तो इसका हेड भी हम छोटा यूज़ करेंगे। ये छोटी अटैचमेंट है मेरे पास छोटे मनकों के लिए। तो ये इसकी गन को मैं इसकी पावर को भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ, यहाँ से इसकी स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है। ये 750 न्यूटन की गन है मेरे पास, जो मनकों को टेढ़े हुए मनकों को सीधा कर देती है, क्योंकि सारा इशू अलाइनमेंट का ही होता है मरीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से मरीज़ को दिक्कत आती है। अभी इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा स्पाइन एडजस्टर टूल है मेरे पास और, ये मैनुअल एडजस्टर टूल है, यूजली हम लोग यूज़ करते हैं C1 की डिसलोकेशन के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं ये स्पाइन के मॉडल पे इसको यूज़ करके, ये C1 का मॉडल है, तो इसके ऊपर हम लोग इसको इस तरह से यूज़ करते हैं C1 को अलाइन करने के लिए। तो अभी इनका C1 आउट है, अगर जिसको पेशेंट को उसको सर में दर्द रहेगा, चक्कर आएंगे, नौजिया की फीलिंग होगी, तो हम C1 को देखिए इनके आउट को एडजस्ट कर रहे हैं इस तरह से। ये C1 मन का है जिसको हम लोग इस कायरोप्रैक्टिक टूल से एडजस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को एडवांस कायरो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मैनुअली मैं अपने हाथ से करूँगा पूरी। सबसे पहले मैं थोरोसिक स्पाइन से शुरू करूँगा पेशेंट के, और इसके अंदर सबसे पहले हम थोरोसिक स्पाइन को अलाइन करेंगे। सर एक लंबा सांस लीजिए आप, हाँ छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए, फिर से सर एक लंबा सांस लीजिए, हाँ छोड़ दीजिए सर बाहर, वेरी गुड, हाँ फिर से एक लंबा सांस लीजिए सर, छोड़िए बाहर। अभी हम लोग इसके अंदर चेक करेंगे जो हम लोगों के पीछे डिम्पल्स पड़ते हैं, उसको हम PSIS बोलते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ये वाला PSIS ऊपर है, ये वाला नीचे है। तो सबसे पहले हम ये वाला PSIS करेक्ट करेंगे पेशेंट का। इस घुटने को हम मोड़ लेंगे इस तरह से, और इस तरह से PSIS को करेक्ट करेंगे। अभी इस एंकल को मैं करेक्ट करने जा रहा हूँ, दोनों तरफ के एंकल्स मैं करेक्ट करूँगा पहले, और ये दोनों एंकल्स इनके बराबर नहीं हैं, और हमारा सारे बॉडी का वेट लेते हैं एंकल्स, तो काफ़ी ज़्यादा पेन करते हैं पेशेंट के। ये करेक्शन करने के बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा नेक का करेंगे करेक्शन। ये सबसे ज़्यादा CT जंक्शन है जहाँ मेरे पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन होती है, सर्वाइकल का मुख्य कारण यही रहता है। हाँ, इस तरह से हम लोग दोनों तरफ से अलाइनमेंट करेंगे इसका। सर अब आप एक बारी सीधा लेटें, ज़रा सीधा लेटिए सर। अब इनका सर्वाइकल स्पाइन हम पहले चेक करते हैं किस जगह पे पेन है। सर ये पेन है आपको? हाँ पेन है। हाँ एक लंबा सांस लीजिए, हाँ छोड़िए बाहर। ये इस तरफ को हमने करेक्शन किया, अब एक इस तरफ को हम करेक्शन करेंगे, हाँ इस तरह से। अब हम देखते हैं इनके शोल्डर्स के क्या पोजीशन है। हाँ सर एक लंबा सांस लीजिए आप, छोड़िए बाहर। हाँ बहुत बढ़िया, अभी हम लोग इसका करेक्शन करने जा रहे हैं हैंड्स का,
क्योंकि कई पेशेंट्स आते हैं जिनको नेक से पेन पूरा हाथ में जा रहा होता है, तो हमें फुल बॉडी अलाइन करनी पड़ती है पेशेंट की। तो ये हम हाथ का करेक्शन करेंगे, ऐसे करिए सर आप गर्दन के नीचे। हाँ, ये स्कैपुला का करेक्शन कर रहे हैं हम लोग सर। अब आप एक तरफ मेरी बारी, मेरी तरफ करवट ले लीजिए सर एक बारी। हाँ बस, अब आप इस घुटने को मोड़िए सर ऐसे। हाँ ऐसे पकड़िए सर, दोनों हाथों में हाथ इस तरह से, थोड़ा सा फेस इधर जी। एक लंबा सांस लीजिए सर, छोड़िए बाहर। अब दूसरी तरफ को आइए सर आप। अब आप पकड़िए, थोड़ा सा फेस इधर, एक लंबा सांस लीजिए सर, छोड़ दीजिए बाहर। बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको मैनिपुलेशन करके दिखा रहा हूँ। ये वाई स्ट्रैप इसको बोलते हैं, और इसके हम C1 विटिब्रा ओपन करेंगे। यूजुअली अभी इंडिया में बहुत ही कम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, आप इंटरनेशनल वीडियोस में ही देखेंगे इसका इस्तेमाल करते हुए। तो इंडिया में अभी ज़्यादा लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं इसका। तो हम लोग इसके अंदर सबसे ऊपर वाला जो मनका है उसको खोलते हैं। आप अगर इंटरनेशनल कायरोप्रैक्टिक की वीडियोज़ देखेंगे तो आपको उसी में नज़र आएंगे ये। हाँ सर, एक लंबा सांस लीजिए आप। हाँ छोड़िए सर बाहर। इस तरह से हम C1 रिलीज़ कर देते हैं इसे। और अभी आपको पेशेंट का थोड़ा सा और, सर एक बारी बैठिए आप प्लीज़ बैठिए। इसके अंदर थोड़ा सा हम आपको और अभी रिलीज़ करके दिखाएंगे। सर्वाइकल स्पाइन बहुत स्टिफ हो रही है इनकी, तो थोड़ा सा नेक को हम पोजिशनिंग में ले लेते हैं। सर एक लंबा सांस लीजिए आप। हाँ छोड़ दीजिए सर बाहर। हाँ अब इस तरफ को सर एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए सर बाहर। ये वाला बाजू ऊपर लेके आइए सर। हाँ अब ये वाला बाजू लेके आइए सर ऊपर। हाँ बहुत बढ़िया। अभी आप सर थोड़ा चल के देखिए आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा चल के देखिए सर, थोड़ा सा ये आप माइक में बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा चल के देखिए कैसे लग रहा है सर स्पाइन। सर स्पाइन तो पहले से बहुत हल्का लग रहा है। ये सर दिक्कत कब से थी आपको? एक्चुअली मेरे एक साल से दिक्कत थी, एक साल से दिक्कत थी, हल्कापन पूरा कमर में थी। हाँ। लेकिन आज जो ट्रीटमेंट मैंने लिया इससे मेरा बहुत कमर हल्का भी हुआ और आराम भी मिला है। आराम भी मिला है, ठीक है। तो सर 50-100% में से कितने परसेंट आराम महसूस कर रहे हैं सर? आज तो 80% महसूस कर रहा हूं। 80% आराम आ गया है आपको। तो सर इससे पहले क्या क्या इलाज कराए हैं आपने कमर दर्द के लिए? पहले नॉर्मल फिजियोथेरेपी करवाया था और मेडिसिन वगैरह खाया था, उससे सर कोई आराम नहीं आया था। जी जी, तो आप बताए थे, तो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब को सर्जरी के लिए कह रहे हैं। हाँ। तो अभी आप पूरी तरह हमारी ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? सर्टिफाइड में पूरी तरह से। आप और पेशेंट्स को रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे पास आने के लिए? रेकमेंड करेंगे इसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी थोड़े से मैं आपको इक्विपमेंट्स दिखाता हूँ जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि हमने बाहर से इम्पोर्ट करे हुए हैं, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे थोड़े से इक्विपमेंट्स कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। ये एक मशीन देख रहे हैं हम जिसको शॉकवेव थेरेपी बोला जाता है। ये मशीन हमने बाहर US से इम्पोर्ट करी हुई है, और ये एक टेबल टॉप मॉडल है हमारे पास। ये इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे पेशेंट के ऊपर, और देख सकते हैं अभी पूरा टच स्क्रीन है, जो बीमारी मुझे सिलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग वो बीमारी आ गई है। तो इसके अंदर इस तरह से हम लोग इसको सिलेक्ट करके बीमारी को और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अब इसके अंदर प्रेशर बनना शुरू हो गया है। इसके अंदर ये गन का पार्ट है आगे वाला, ये बेसिकली डिस्क बल्ज पे काम करती है। अभी आपको इंडिया में बहुत कम क्लिनिक्स पे ये मशीन मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये डिस्क बल्ज पे काम करती है मरीज़ के, और बहुत ही कारगर है हर तरह की पेन के लिए। शॉकवेव थेरेपी इसका नाम है, बहुत पावरफुल और बड़ी इफेक्टिव मशीन है ये। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को आराम देती है डिस्क बल्ज के अंदर। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर। ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्लास 4 लेज़र है, इसको हम पेशेंट की बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में अभी तक क्लास 1 क्लास 2 लेज़र्स अवेलेबल हैं। तो ये लेज़र हमने जर्मनी से इम्पोर्ट करी हुई है, और बहुत ही पावरफुल लेज़र है ये, पेशेंट को बहुत ही आराम देती है। तो इसके अंदर अभी हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखा दें कैसे कैसे हम पेशेंट की बॉडी पे इसको लगाएंगे। ये इसका एप्लीकेटर है बेसिकली, और इस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं पेशेंट की बॉडी के ऊपर। ये आप देख सकते हैं इसमें ये लाल रंग की रोशनी निकलती है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। आप जो भी इंडियन लेज़र देखेंगे उनमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती, और इसके अंदर हमारे पास दो तरह की लेज़र है, हॉट लेज़र एंड कोल्ड लेज़र। हॉट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कोल्ड के लिए हमारे पास एक मोड और है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास अभी तक इंडिया के अंदर फर्स्ट मॉडल है
जिसमें कोल्ड लेज़र आई हुई है, और इसके अंदर हम लोग पेशेंट की बॉडी के ऊपर कोल्ड लेज़र से भी आराम दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं कोल्ड लेज़र को, और काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस करता है पेशेंट अंदर, और इसके अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन है, वैसो डायलिटेशन का फिनोमिना काम करता है जिससे पेशेंट को आराम आता है। तो ये बहुत ही पावरफुल मशीन्स हैं जो कि हम बाहर से लेके आए हुए हैं। तो अगर आप हमें संपर्क करना चाहें तो हम दिल्ली कीर्ति नगर में हैं, और आप हमें कॉल कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर्स पे और हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और मेरा नाम डॉक्टर वरुण दुग्गल है, मैं दिल्ली से हूँ, और मैं कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इंडिया में लोगों को प्रोवाइड करता हूँ जो कि बहुत ही कारगर है। बिना ऑपरेशन, बिना दवाई और बिना किसी चीज़ के इंसान को ठीक किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे पीड़ित हैं बैक पेन से, क्योंकि आजकल घंटों लैपटॉप पे बैठना पड़ता है, काफ़ी देर काम करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे पीड़ित हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो हम उनको ज़रूर हमारे पास आ सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे ये पूरा जो ट्रीटमेंट हुआ है, जो डेमो हुआ है, वो कितनी बेहतरीन तरीके से डॉक्टर वरुण द्वारा आपको दिखाया गया है। एक एक चीज़, एक एक मशीन, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि आखिर उसका क्या इम्पैक्ट है और बॉडी पे कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये पूरे ये सारी तरीके की ट्रीटमेंट यहाँ पर की जाती है। और डॉक्टर वरुण, जैसे आपने सारी चीज़ें दिखाई, सारी मशीन्स दिखाई, अब आगे भी मैं चाहूँगी कि इस तरीके के और आप मशीन्स के बारे में लोगों को जानकारी दे कि आखिर ये जो चीज़ भारत में मौजूद नहीं है वो मौजूदगी आना शुरू हो जाए, वो लोगों में जानकारी फैलनी शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, और आप आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैम, हमारा मेन मोटिव यही है कि जो पेशेंट दर्द में है, हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है अमेरिका जाके, यूरोप जाके ट्रीटमेंट कराना, तो हम वो ट्रीटमेंट हिंदुस्तान में ला के यहीं पर लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। हर एज का इंसान सर्जरी नहीं करा सकता, हर उम्र का पेशेंट जो है ऑपरेशन के लिए नहीं जा सकता, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि यहाँ बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हम दें लोगों को, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।